अमरीका आने वालों को ये डिजाइन का मैं शाबाश देने वाला हूँ कि वाकई उन्होंने अच्छी डिजाइन बनाई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बिस्किट कौन से पसंद है आपको? बिस्किट तो हर एक किस्म का जो भी है खा लेता हूँ, पसंद ही है। बिस्किट तो दरअसल हमारे यहाँ बेकरी पे मिलते हैं जिसके बीच में जेली मतलब होती है, वो बिस्कुट मैं बड़े शौक से खाता हूँ, या रस केक वगैरह। पिनट और जीरा काफ़ी बिस्किट हैं। हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं हम उनको चाय के साथ बिस्कुट ज़रूर लेते हैं। सर आज हम अमेरिका के ओरियो कुकीज़ खाएंगे। ओरियो कुकीज़ यानी मतलब ओरियो बिस्कुट, ये खैर पहले कभी खाए नहीं है ओरियो, मतलब क्योंकि मैं तो नॉर्मली बेकरी के ही खाता हूँ, वैसे मतलब फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगा। कुकीज़ तो वैसे बिस्किट को ही बोलते हैं ना? जी ब्रिटिश बिस्किट बोलते हैं और अमेरिकन कुकीज़ कहते हैं। अच्छा, तैयार हैं आप अमेरिकन के कुकीज़ खाने के लिए? जी बिल्कुल, अमेरिकन कुकीज़ खाएंगे। खूबसूरत बनी हुई है, पैकिंग अच्छी होती है, खूबसूरत बनी है। यार ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, ये तो बिल्कुल मतलब काले यानी ब्लैक कलर के, तो फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ ये। जैसे इसका नाम भी एक तो अजीब है ओरियो, और ऊपर से बिस्किट का कलर भी कुछ अजीब ही है, बिल्कुल ऐसे ब्लैक ब्लैक और अंदर से वाइट क्रीम। अच्छी डिजाइन खूबसूरत बनी हुई है, कैसे फूल की तरह कितनी खूबसूरत बनी हुई है, आप देख सकते हैं डिजाइन कैसी बनी हुई है, खाली डिजाइन खूबसूरत है। इसका डिजाइन कुछ ऐसा है जैसे मतलब सैंडविच। वैसे इस तरह क्रीम वाले बिस्किट तो हमारे बच्चे बहुत पसंद करते हैं, तो चलो आज हम भी बच्चों वाली चीज खा के देखते हैं। बड़ा मस्त जबरदस्त, यानी कि फर्स्ट टाइम खाया और बहुत ही मजा आ रहा है। खाने में जायका तो बड़ा ज़बरदस्त है, और कुरकुरे भी हैं, अच्छा लग रहा, ताज़े बिस्किटों, और ये जगह क्रीम बिल्कुल बाहर आ गई, खुद ब खुद जो है ना दिखने के लिए आ गई सफ़ेद कलर की। जायका भी अच्छा है, डिजाइन भी अच्छी बनी हुई है, क्योंकि थोड़ा सख्त है क्योंकि मेरे दांत नहीं है ना, कुरकुरा सा है, इस वजह से बना भी बहुत अच्छा है। वैसे इसमें ऐसा लग रहा है जैसे फुल दूध मिलाया हो, जैसे मिठाई खा रहा हूँ, मीठे भी काफ़ी हैं। चॉकलेट का कलर तो ब्राउन होता है, ये ज़्यादा काला लग रहा है, ये थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन क्यों खूबसूरती ज़्यादा है इसकी फूल की तरह। चॉकलेट अक्सर खाने में थोड़ी कड़वे मतलब कड़वा जायका होता है, लेकिन हो सकता है इसकी वजह से ये क्रीम मतलब वाइट क्रीम जो है ना मीठी दी हुई है ताकि कड़वापन इसका ख़त्म हो जाए। वैसे जैसे लड़कियाँ हाथों पर मेहंदी लगाती हैं ना, तो सेम उस तरह की इसमें डिज़ाइनिंग हुई हुई है, ऐसे फूल बने हुए छोटे छोटे और लाइनिंग। दूध और चाय के साथ अच्छा ही लगेगा, थोड़ा नरम हो जाता है, अच्छा क्योंकि मेरा दांत नहीं है, और मज़ा करेंगे। और इसके रैपर वगैरह देखकर ऐसा लगता है कि तो काफ़ी महंगे बिस्किट होंगे। हमारे कमीज़ के इस तरह के फूल वाले बटन भी होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि पानी वाले बटन। दरअसल ये बिस्कुट खा के मुझे जो है ना कुछ कुछ याद आ रहा है कि जैसे कोको क्रंच, इससे पहले मतलब आपने इसी चैनल पर हमें खिलाए थे, तो उसका कुछ इस तरह लग रहा है कि जैसे कोको क्रंच। अमेरिका के बिस्किट खा के तो बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त है ये। दरअसल जिस वक्त मैं काम से आता हूँ और उस वक्त अगर मुझे मतलब भूख लगती है जैसे, तो फिर कभी मतलब बिस्किट वगैरह या रोल समोसे वगैरह इस तरह के मतलब आइटम ले लेता हूँ। ये अमेरिका के ओरियो बिस्किट तो खा के बड़ा मज़ा आया, जो कि मैं अभी तक लगा हुआ हूँ, प्लेट मेरी साफ़ हो गई है। ओरियो बिस्किट खा के बहुत अच्छा लगा, थोड़ा सा मैंने खाया बहुत अच्छा लगा, क्यों ज़्यादा मैं खा नहीं सका, बहुत सख्त है इसलिए। भाई अमेरिका वालों की तो जितनी तारीफ की जाए कम है, यानी कि मैंने इस चैनल पर जितने भी आइटम खाए हैं बहुत ही ज़बरदस्त आला, यानी कि उनकी रेसिपी इतनी ज़बरदस्त है कि मज़ा आ जाता है बंदे को खाकर। आज का फूड ट्राई करके तो बड़ा मज़ा आया। वीडियो पसंद आई हुई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।